तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्लास के बॉटल्स हैं पहले के, जिनका कैप जो है मेटल का है। तो मैंने पहले बिना सैंड किए ही इनके ऊपर जो है कलर किया था, तो वो इस तरीके से जो जंग होता है ना उसका निकल के आ गया था कलर करने के बाद। तो ऐसे मेरे पास 3 कैप्स हैं। अभी हम पहले इन्हें अच्छे से सैंड कर लेंगे सैंड पेपर की हेल्प से। इस तरीके से जो भी जंग निकला हुआ है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अच्छे से तीनों कैप्स जो है क्लीन हो गए हैं। सैंडिंग करने के बाद जो भी धूल थी उसके ऊपर कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है जेसो लगाएंगे। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रिलिक कलर भी लगा सकते हो। मेरे पास जेसो था तो मैंने यूज़ किया। जेसो नहीं भी होता तो भी मैं वाइट एक्रिलिक कलर के 2 कोट्स लगाती। अभी मैंने 1 कोट जेसो का लगाया है। इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देना है, उसके बाद फिर मैंने 2nd कोट जो है वाइट एक्रिलिक पेंट का लगाया है। अगर आप मेरी तरह बिल्कुल ना करें, न्यूज़पेपर कुछ बिछा लें नीचे ताकि आपका टेबल या जो भी सर्फेस आप जिस पर काम कर रहे हो वो ख़राब ना हो। मेरा 2nd कोट भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब जो है यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रांसफ़र शीट्स हैं, ये इजीली मिल जाते हैं आपको अमेज़ॉन पे, या फिर मैंने ये लिया है इट्सीबिट से स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से। तो इसे अगर आपको बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं भी आती है ना, जैसे कि मेरे जैसे, तो आप इजीली इन्हें यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी है इन्हें यूज़ करना। ये आप इस तरीके से जो भी पैटर्न आपको चाहिए, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं एक पेपर पर, तो जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो आप कट करके निकाल लोगे। पीछे ये एक प्लास्टिक शीट होती है, उसे आपको हटा देना है। हटाने के बाद ये आप इस तरीके से रख के हल्के से प्रेस करके इसे चिपका लोगे। अब एक गीला स्पंज लेके, ये स्पंज है जो मैंने पानी में डिप करा था, उससे इस तरीके से डैब करोगे पानी को, ताकि पानी की हेल्प से जो है वो जो इमेज है वो ढक्कन के ऊपर आ जाए। आप देखो पानी अच्छे से लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इमेज ऊपर से हल्का हल्का दिखेगा। इसे 2 मिनट रखिएगा, उसके बाद जो है धीरे से इस तरीके से ऊपर की जो शीट है वो निकाल देनी है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। मेरा जो है फर्स्ट टाइम मैं ऑन कैमरा कर रही थी तो 1-2 जगह निकल भी गया था, बट कोई नहीं, हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। अब ट्रांसफ़र शीट भी थोड़ा सा ड्राई होने दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर येल्लो कलर मैंने लिया है, लाइट येल्लो कलर, क्योंकि ट्रांसफ़र शीट का कलर थोड़ा सा डल था, वाइट नहीं था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्लियरली विजिबल हो रहा था। तो इसलिए मैंने येलो कलर से मैंने इस तरीके से डैब डैब कर दिया, ताकि पूरा डिज़ाइन जो है एक जैसा लगे। मैंने जो प्रिंट है उसके ऊपर भी करा, और सारे कैप्स में मैंने इसी तरीके से कर लिया। जो आपने देखा है वो DIY, वो मैं बना रही थी सुबह से, और उसके बाद अभी भी उसमें काम बाकी है। तो हम इस वीडियो के एंड में जो उसका फिनिशिंग टच है वो करेंगे, और वो सच्ची में बहुत ही सुंदर बने, काफ़ी अच्छे लगे हैं, और बहुत ही अच्छा यूज़ हो गया है। ऐसे प्लेन भी हम लोग ग्लास के जार्स ऐसे भी ब्यूटीफुल लगते हैं, हम लोग आराम से रख सकते हैं किचन में, बट उसमें और कुछ पर्सनल टच ऐड करा जाए, अपनी कुछ चीज़ें मतलब जो हमें पसंद है वो करें, क्योंकि हमें ही रहना है किचन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा लगता है, कुछ स्पेशल सा फील होता है। और 2nd चीज़ जो है, 2nd DIY हम आज में करेंगे, ये फैब्रिक मैंने लिया था आजियो से। मैंने ये जो है बहुत दिन पहले लिया था, ये हैंडलूम फैब्रिक है, और ये इस तरीके का जो है ग्रे का बेस है, उसके ऊपर टर्कोइज और येलो कलर के हम बाहर से खरीद के लाते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, तो हमें बाहर पे भी मिल जाते हैं, कॉटन के कर्टन्स मिलते हैं या फिर आपके लिनन के मिलते हैं, तो वो अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये 2.5 मीटर का एक फैब्रिक, ऐसे मैंने 4 लिए थे, ये एक और है, और 2 जो है मैंने निकाले नहीं हैं, अंदर में हैं, पहले इनको बना के फिर मैं वो निकालती हूँ। तो एक है 2.5 मीटर का इसका लेंथ, और चौड़ाई नॉर्मल जो हमारे फैब्रिक की आती है ना, नॉर्मल जैसे पर्दों के लिए या फैब्रिक के लिए, ये 45 इंच या 44 इंच का है, तो आराम से कर्टन्स के लिए वो
ये जो मैंने उस दिन दिखाया था हॉल में, इसी के लेंथ का मुझे बनाना है। हालांकि तो आप इस तरीके से, कोई टेप है आपके पास, इंची टेप, आप ऊपर से रख के नीचे तक आपको कितनी लंबाई चाहिए अपने पर्दे के लिए, आप आराम से उसको मेज़र कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ से मेज़र कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कितना लंबा है, जो मैंने रेडीमेड लिया था ये 5 फीट का कर्टन था, इससे भी ज़्यादा लंबा है फैब्रिक। ऑब्वियसली हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए, फिर भी लेंथ जो है थोड़ा सा हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मैं देखती हूँ, जो खिड़की के जो कर्टन्स मैंने लिए थे वो थोड़ा एक्स्ट्रा लॉन्ग है, तो उनका फैब्रिक मैं कट करके इनमें अटैच करके इनकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दूँगी, अगर मुझे करने का ये हुआ तो। और ये जो है जितना फैब्रिक है ना 2.5 मीटर का, ये पूरा हो जाएगा, मैंने नाप लिया है। कर्टन का जो ऊपर का साइड होगा वहाँ पे हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर 1.5 इंच जो है हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे सिलाई होने के बाद यहाँ पे जो है हमारी वो जिसमें हम रिंग्स लगाएंगे वो वाली पट्टी आएगी। तो आपको यहाँ पे रख के इस तरीके से आप जो है इंची टेप के हेल्प से भी आप देख सकते हो 2 इंच, फिर उसे फोल्ड कर सकते हो, फिर स्टिच कर सकते हो, ताकि आपको आपका जो फैब्रिक है वो कहीं पर पतला और कहीं पर मोटा ना आ जाए। तरीके की पट्टियाँ जो है ना वो मार्केट में इजीली मिल जाती है, जिसके पीछे की तरफ प्लेन होता है और आगे की तरफ इस तरीके से बनाई गई होती है रिंग्स को हैंग करने के लिए। तो वो जो है जैसे दिखा रही हूँ वैसे फोल्ड करके हमें यहाँ पे रख के स्टिच कर लेना है। पहले ऊपर के साइड से स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर नीचे के साइड से तरफ से स्टिच करते हुए नीचे तक आने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा करके इस पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब इसे भी जैसे हमने ऊपर में फोल्ड करा था वैसे ही फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। ये कुछ रिंग्स है मेरे पास इस तरीके की, प्लास्टिक के रिंग्स बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। ये जो पट्टी है ना, पट्टी और ये रिंग दोनों एक ही जगह मिल जाता है, कोई भी जो सिलाई का दुकान होता है जहाँ पे सिलाई की चीज़ें सेल करते हैं ना, वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। आप देख सकते हो ऊपर में भी यही लगे हुए हैं। काफ़ी इजी होता है इस तरीके से ड्रैग करके खींचना। ये जो पट्टी है पीछे से, पट्टी में इस तरीके से इसे अटका देना है, बस थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जितने आपको ज़्यादा घने वो चाहिए ना, तो वैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इस तरीके से लगा लेंगे। मैं आपको एक बार लगा के दिखाती हूँ। अभी मैंने इसका नीचे का नहीं स्टिच करा है, क्योंकि एक बार मैं लगा के देखूँगी कि कितना लेंथ एग्जैक्टली आ रहा है, क्योंकि टेप से नाप ले फिर भी ना एक बार ही लगा के देखने से अच्छा हो जाता है, एकदम एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है कि हमें कितने लेंथ के पर्दे चाहिए। तो मैं फटाफट से लगा देती हूँ इनमें। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही लगा रही हूँ, लेकिन जब आप लगाते हो तो थोड़ा सा ध्यान से ऐसे लगाना कि अच्छे से ये जो प्लीट्स है ना बराबर से आए। और एक चीज़ ये होती है ना, ये वाले पर्दों का जब आपको वॉश करना है ना, तो आपको पूरा कर्टन रॉड निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ये रिंग से जो है फैब्रिक को आराम से खोल के फिर आप उन्हें वॉश कर सकते हैं। इस बारी मैंने कर्टन का फैब्रिक जो है कॉटन मटेरियल में लिया है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का है ना ये पॉलिएस्टर फैब्रिक है। ये है तो पर्दा ठीक, ठंडियों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर कॉटन फैब्रिक मैंने लिया है या फिर लिनन लिया है तो उसके बहुत सारे यूजेस हो जाएंगे। तो लाइटिंग थोड़ी सी कम है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं इनको इसके साथ मैच करके रखूँगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी मैं इनको हैंग नहीं करूँगी, अभी बस स्टिच करके रख दे रही हूँ। इस रूम के जब सारे चीज़ें रेडी कर लूँगी ना, उसके बाद मैं एक के साथ में करूँगी। अब जो है हम इसका लेंथ देख लेते हैं, मुझे चाहिए यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ चौक से ताकि मुझे पता चले। एकदम ऐसे ऐसे आप करके देख सकते हो, हमें फ्लोर को टच नहीं करना है,
फ्लोर से जस्ट हाफ इंच ऊपर रखना है। तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब आप चाहो तो ये जितना फैब्रिक है ना ये पूरा ही फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर सकते हो, क्योंकि कभी धोते धोते अगर श्रिंक हो गया ना तो आप बस सिलाई खुल के लंबा कर सकते हो। या फिर अगर आपको इतना फैब्रिक नहीं फोल्ड करना है तो आपको जितना मोटा फोल्ड चाहिए ना, आपको यहाँ तक चाहिए ना, तो आपको पीछे की तरफ जितना फोल्ड चाहिए उतना आप रख के बाकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो आप कट करके इजीली निकाल सकते हो। नीचे की तरफ का जो मार्क था वो मैं पूरे ही पर्दे पे नीचे पे इस तरीके से कर ले रही हूँ ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें वही फैब्रिक जो है ऊपर नीचे ना हो और एक समान से हम स्टिच कर पाए। जितना भी रिमेनिंग फैब्रिक था वो मैंने पूरा ही इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेंगे। मैंने थोड़ा भी फैब्रिक कट करके हटाया नहीं है। इस तरीके से नीचे में जो है थोड़ा सा मोटा होगा और फॉल भी अच्छा बनेगा। ऐसे भी लाइट वेट फैब्रिक है ये कॉटन का। और पर्दे इस तरीके से अगर कॉटन में लिनन में होना तो वो फैब्रिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूचर में भी, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबे लंबे पर्दे होते हैं, बहुत अच्छा फैब्रिक होता है। तो अगर अच्छे कंडीशन में रहा तो मैं इसका कोई ड्रेस बना सकती हूँ, या फिर तो मैं बीच में से दो कर्टन्स को जॉइन करके एक बड़ा सा बेडशीट बना सकती हूँ। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, फैब्रिक हमारा वेस्ट नहीं होता है। एकदम जो विंटेज स्टाइल होता है ना, मतलब जैसे कि हमने इन्हें बहुत दिनों से यूज़ कर रहा है और थोड़े से पुराने से लगते हैं, थोड़ा सा विंटेज लुक आता है, वैसा कुछ आया है। एक पे मैंने सिंपल सा ये एक जो लीफ पैटर्न है पांच पत्तों का, बस वही लगाया है। उसके बाद ये दोनों हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और वार्निश करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई होने दूंगी कल तक। कल मैं इनमें जो है जो मुझे डालने हैं इन बॉटल्स में वो मैं डालूंगी। तो आप देख सकते हो कितने प्रिटी लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इसमें भी तो इस तरीके से हम अपने ओल्ड बॉटल्स को भी रिपोपस कर सकते हैं। और ये पुराना एक सेट लग रहा है। जो भी आप इस तरीके से आर्ट वर्क करते हो उनको वार्निश करना बहुत ज़रूरी है। तो वार्निश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिटिल बॉडी का डेकोर वार्निश, और ये मैट फिनिश में है। हाँ, क्योंकि ये भी मैट फिनिश में है। एक कैप के ऊपर इस तरीके से कुछ बूंदे जो है हम गिरा देंगे और अच्छे से ब्रश की हेल्प से इसको यूं कर लेंगे। अभी कैप्स पे इसी तरीके से अच्छे से वार्निश लगा देंगे और अच्छे से इन्हें हम ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। वीडियो बनाते बनाते जो है शाम हो गई है और चाय पीने का वक्त हो गया है। कोशिश करूँगी अभी के अभी मैं इसको चाय पीने के बाद अगर हो पाया तो मैं फटाफट से एडिट करके अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वैसे भी आज मंडे है, मैं वीडियो डालती हूँ, लेकिन DIY करते ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उम्मीद है आपको ये DIY वाला वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है लाइक और शेयर कर लेना याद से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं चाय पीऊंगी और उसके बाद जो बाकी के कर्टन्स हैं वो भी मैं बना लूंगी। तो मैं मिलती हूँ।